श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह का शताब्दी समारोह कल 28 जनवरी को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। इसमें बाड़मेर जिले से 2 स्पेशल ट्रेन शनिवार को रवाना हुई। अतिथियों ने ट्रेन को तिलक लगाया और ढोल नगाड़ों के साथ फूल बरसाकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। समारोह में जाने के लिए बाड़मेर से बड़ी संख्या में राजपूत समाज के युवक, युवतियां, महिलाएं और बुजुर्ग ट्रेन से रवाना हुए। इसी ट्रेन में क्षेत्र के विधायक, क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ लोग और जनप्रतिनिधि भी रवाना हुए। क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह का शताब्दी समारोह कल 28 जनवरी को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। इसमें बाड़मेर जिले से 2 स्पेशल ट्रेन शनिवार को रवाना हुई। अतिथियों ने ट्रेन को तिलक लगाया और ढोल नगाड़ों के साथ फूल बरसाकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। समारोह में जाने के लिए बाड़मेर से बड़ी संख्या में राजपूत समाज के युवक, युवतियाँ, महिलाएं और बुजुर्ग ट्रेन में सवार हुए। इसी ट्रेन में क्षेत्र के विधायक, क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ लोग और जनप्रतिनिधि भी रवाना हुए। श्री क्षत्रिय युवक संघ के कमल सिंह राणीगांव ने बताया कि समाज सेवा में तन सिंह आजीवन समर्पित रहे। उन्होंने श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की। उनके विचारों को आम जन तक पहुंचाने के लिए इस जन्म शताब्दी समारोह सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर पिछले एक महीने से तैयारियां की जा रही थी। बाड़मेर से 2 ट्रेन स्पेशल दिल्ली के लिए रवाना हुई है। ट्रेन में लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर प्रभारी नियुक्त किए हैं जो खाने पीने की व्यवस्था संभालेंगे। से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बताया कि तन सिंह ने समाज के लिए जो सपना देखा था उसे साकार करने के लिए आज समाज के लोग दिल्ली जा रहे हैं। दरअसल तन सिंह चौहान बाड़मेर जिले के रामदेरिया गांव के थे। उन्होंने क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की थी। तन सिंह के शताब्दी समारोह के लिए बाड़मेर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। ये वजह है कि बाड़मेर से 2 स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए चलाई गई। बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, शिक्षाविद कमल सिंह महेचा, युवा उद्यमी जोगेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य अतिथियों ने ट्रेन को तिलक लगाया।